में गाइस, इस आज का मौसम कुछ इस तरीके का है और आज 15 अगस्त है, सुबह का मौसम है, 8 या 9 बज रहे हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मौसम भी अच्छा है फिलहाल में देख लो आप, बिकॉज मैं घर से एक ही जोड़े कपड़े में आया था तो बिकॉज वही पहना हूं तो डेफिनेटली यार। तो अभी फिलहाल में इस तरीके का मौसम है गाइस, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, ये देखो इस तरीके से यहां पर भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं गाइस। तो फिलहाल में मैं आज ट्रैवलिंग के लिए महगांव से ग्वालियर के भिंड के लिए जा रहा हूं। तो गाइज आप लोगों को आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आई बटन पे भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी। तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड गाइज यार कृपया करो यार थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाओ मेरे यार, 249 ही सब्सक्राइबर हो रहे हैं, अगर बढ़वा दोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा यार, तुमको शेयर ही तो करना है, प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, बढ़वा दो मेरे लाइक सब्सक्राइब, थोड़े लाइक भी कर दिया करो यार और सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो, इससे यार मेरा भला होगा यार, आप लोगों का भी भला होगा यार, आपका भला इसलिए होगा यदि मेरे से जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम हो आप मेरे पास आ सकते हैं। तो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बढ़वाएं प्लीज गाइज, अ हम्बल रिक्वेस्ट। हाल में गाइज, इस आज का मौसम कुछ इस तरीके का है और आज 15 अगस्त है, सुबह का मौसम है, 8 या 9 बज रहे हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मौसम भी अच्छा है फिलहाल में देख लो आप, बिकॉज मैं घर से एक ही जोड़े कपड़े में आया था तो बिकॉज वही पहना हूं तो डेफिनेटली यार। तो अभी फिलहाल में इस तरीके का मौसम है गाइस, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, ये देखो इस तरीके से यहां पर भी है। तो गाइज ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, ये क्या है फिलहाल में अभी सूख रहे हैं, इनके कागज वगैरह बनता है ऐसा मैंने सुना है। ये देखो यहाँ पर भी है बहुत सारे, ये बड़े बड़े जो लंबे लंबे पेड़ है ना, ये सारे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, अच्छे हैं यूकेलिप्टस के पेड़ भी अच्छे हैं, क्योंकि ये रास्ते में भी मतलब अच्छा लगता है और नीचे किसी से टकराते भी नहीं है, काफी ऊंचे चले जाते हैं ये सारे पेड़, तो है ना कोई भी बड़ा वाहन आसानी से मतलब रोड पर निकल सकता है, तो ज्यादातर है ना रोडों पर यही पेड़ मिलेंगे आपको। ये देखो इस तरीके से, ये रहा, और भी हैं बहुत सारे हैं आगे, ये देखो गाइस प्रॉपरली तरीके से ना ये है इनका मतलब मेन मोटिव, ये दोनों साइड में रहते हैं, इस साइड भी पेड़ है इस साइड भी है, लेकिन ये है ना किसी भी वाहन को हार्म ही नहीं पहुंचाते, मतलब हार्मफुल नहीं करते हैं, आराम से वाहन रोड के बीच में से निकल सकता है और ये अच्छा भी रहता है, छाया भी बनी रहती है, जिससे क्या है वाहन में मतलब ठंडे मतलब इंजन वगैरह ठंडा होने के लिए आसानी रहती है, ज्यादा तेज धूप भी नहीं पड़ती है, तो ये अच्छा है। और बाकी का तो गाइस ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है इस साइड से, ये देख लो आप, अब इससे आगे तो नहीं निकल सकता क्योंकि बिकॉज ओवरटेक आराम से ही करना चाहिए, भड़बड़ा के नहीं करना चाहिए, मैं फिलहाल में आराम से ओवरटेक करूंगा, अभी तो वो नॉर्मली चला रहा हूँ। ये देखो गाइस इस तरीके से है, मौसम भी ठीक ठाक है, मौसम का तो क्या है कि अभी बारिश का ही टाइम चल रहा है यार, तो मतलब मौसम तो बदलता ही रहता है, बीच में गर्मी आती है अभी पहले, अभी बारिश के बाद में सर्दियां आएंगी, काफी चीजें बदल जाती हैं बस। और अभी फिलहाल में हमने ये पार कर लिया, चलो तो गाइस अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा भिंड पहुंचने में। तो गाइस फिलहाल में हम पहुंच चुके हैं काफी आगे, और मैं जस्ट अभी रुका हुआ था थोड़ा सा, गाड़ी काफी टाइम से चला रहा हूँ, तो ये देखो गाइस बाहर से गाड़ी के अंदर से और कुछ दिखता है मौसम, बाहर से और कुछ दिखता है बट धूप नहीं है, पर मौसम साफ है बिल्कुल भी, मैं गाड़ी के अंदर था तो इसलिए अलग से मौसम देख रहा था आप लोगों को, अभी गाड़ी के बाहर आ गया हूँ, थोड़ा गाड़ी को रेस्ट करना जरूरी है क्योंकि मेरी गाड़ी खराब है ये देखो। तो गाइस अभी थोड़ी देर से फिर निकलते हैं 5-10 मिनट से, इस तरीके से है, ये मेन रोड है मतलब हाईवे है, तो अभी गाइस पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस विंड सिटी के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और फिलहाल में अभी हम पहुंचने वाले हैं 5 या 10 मिनट में घर पर,
तो ये गाइस ये है भिंड सिटी जो कि एक ही रोड पर बसी हुई है, पूरी बस यही हाईवे है, इसी के अंदर पूरी की पूरी सिटी बसी हुई है। कोई अलग से कोई बाजार नहीं है, कोई रोड नहीं है, बस इसी रोड पर ही पूरा, मतलब पूरा भिंड सिटी बोलते हैं। वैसे इसे है एक कस्बा टाइप का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और तो फिलहाल मैं अभी यही मार्केट है और आगे कुछ बड़ा मार्केट होगा तो दिखाता हूँ गाइस। ये देखो गाइस ये है, मतलब इस साइड से ये देखो ये मार्केट है नॉर्मल सा इधर पे। अभी बस स्टैंड आने वाला है भिंड सिटी का, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, लोड़ों पे से निकलने नहीं दे रहे यार, कंजेस्टेड एरिया है ना इस सड़क का। तो गाइस ये आ चुका है बस स्टैंड भिंड सिटी का, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मल अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस ये है अंदर भिंड सिटी का बस स्टैंड। आवाजें तो आ रही हैं यार इधर उधर से, देखते हैं अब। ये रहा गाइस ये है बस स्टैंड भिंड सिटी का, ये अंदर है इसके जस्ट, इसके अंदर पूरा बस स्टैंड है, बसें खड़ी हैं सामने देखो। ये रहा गाइस ये देखो गाइस ये बस स्टैंड है सामने, पूरा बस स्टैंड सामने, अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बस स्टैंड है, यहाँ पे बस ही बस खड़ी है। ये देखो ये गाइस ये देखो सामने लिखा हुआ है भिंड बस स्टैंड, अभी आप देखना मैं आपको दिखाता हूँ गौर से। ये देखो गाइस ये लिखा हुआ है भिंड बस स्टैंड, और ये चौराहा है पता नहीं कौन सा, ये मैं जानता ही नहीं हूँ, बस स्टैंड चौराहा है ये। चलो तो अब मेन सिटी के अंदर हम लोग घुस चुके हैं, ये मेन सिटी के अंदर आ चुके हैं। ये है गाइस मार्केट कपड़ों वगैरह का और मोबाइल वगैरह जो भी इधर ही मिलते हैं सारे के सारे, मतलब मोबाइल कपड़े टेक्निकल चीजें जो भी हैं वो इधर ही मिलती हैं सारी की सारी, यही मार्केट है बस और कोई भी मार्केट नहीं है। ये गली की बात कर रहा था मैं गाइस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर और आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में गाइस। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय गाइस।